तुम सब लोग झूठे हो। वो तो मेरे भाई ने न्यूज देके मुझे फोन पे बताया कि युवराज ने मेरी बेटी को मर्डर केस में कैसे फंसाने की कोशिश की। नहीं अंकल, ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम तो चुप रहो जी, रिश्ते की बात करने के नाम पर तुमने मुझे यहाँ पर बिठा के रखा। हाँ, और आप बताइए कि मेरी बेटी सिंपल कहाँ है? सिंपल 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 बच्चे चुप। तू तो आप चुप कर, अब एक बार भी तू अमृतसर का नाम नहीं लेगी। चुपचाप घर चल वापस। कम ऑन यूवी, रिएक्ट यूवी, डू समथिंग। रोक सिंपल को, रोक उसे यूवी। अब तू सीधा घर चलेगी। बाउची, नहीं सुन रहा मैं कुछ। करेगा मुझसे शादी? यूवी कुछ तो बोल, शोक से कर। अंकल आई एम सॉरी, आई नो ये सब शुरू एक झूठ से हुआ था, लेकिन आज मैं आपको सच बोलना चाहता हूं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब ये क्या नाटक कर रहा है? नाटक नहीं अंकल, ये सच। अंकल अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी बेटी से दो मिनट बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ उसे। सिंपल, कुछ वक्त पहले मैंने किसी से बहुत इश्क करा था, वो इश्क जुनूनियत में कब बदल गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ, सिवाय दर्द के मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं मिला। और फिर कुछ सालों के बाद मुझे तुम मिली। हाँ, मुझे पुराना वाला केयर फ्री युवराज लूथरा वापस मिल गया। मैं खुद को पहचान सका, जो मैं पहले हुआ करता था वो युवराज लूथरा तुमसे मिलने के बाद। You know what? I can actually feel that spark in me. Honestly, I don't know कि मैं तुम्हें उतना खुश रख भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन one thing's for sure, जब तू और मैं साथ में होंगे ना, तुम हमारी लाइफ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी। यूं ही हंसते खेलते उसी पागलपन के साथ हमारी लाइफ बहुत स्मूथली गुजर जाएगी। And simple, you know what? मुझे हमेशा से पता था कि एक ना एक दिन मेरे जैसा टशन करने वाला इंसान मुझे जरूर मिलेगा। And I'm glad कि मुझे तू मिल गई। I like you. अंकल प्लीज अपनी बेटी मुझे दे दीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, रियली लाइक her. प्लीज अंकल नाम मत करिएगा। अबे ओ, डायलॉग मार के हीरो बनता है? पापा जी, अगर आज इसे हमने जिंदा छोड़ दिया ना, तो पूरा प्रिंट इसके नाम पर हम पे थूकेगा। मैं तो कहता हूँ रोमियो के बच्चे को अभी से। जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा बाबूजी? बाबूजी ओ पुत्र, बहुत ही चंगा मुंडा,
बहुत ही अच्छा तेरा ख्याल रखेगा। इस तो अच्छा लड़का तेरे लिए कोई नहीं। थैंक यू बाबूजी। शुक्रिया बच्चों। तुम दोनों ना होते तो इन दोनों बच्चों का रिश्ता हो ही नहीं पाता। What? मतलब? मतलब कि ये सारी की सारी प्लानिंग ट्विंकल की थी। ट्विंकल ही ने अंकल और आंटी से बात की और हम सब ने ये ड्रामा इसलिए किया ताकि तुम दोनों अपने दिल की सुनो और अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। ट्विंकल ये सब तेरा प्लान था? क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ यूवी, हमेशा। आई एम सो हैप्पी, फाइनली मेरा बेटा शादी कर रहा है। अरे हमें नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मंडप तो सज ही रहा है, ट्विंकल और कुन शादी तो कर ही रहे हैं, साथ में यूवी और सिंपल की भी शादी कर लेनी चाहिए। तो आपकी तीर्थ यात्रा सफल रही। सब कुछ मुबारक हो लीला जी, आखिर सब कुछ ठीक ठाक हो ही गया। लीला थैंक यू। आज अगर मेरा यूवी खुश है, शादी कर रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ तेरी ट्विंकल और कुंज की वजह से। इसके लिए मैं तुझे जितना भी थैंक यू कहूँ कम है। थैंक्स दी की गल है, अब जब हमारे बच्चे जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ही रहे हैं क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। मतलब? पुरानी बातों को भूल जाए, मिट्टी पाओ। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ओफ, और शर्त? तुझे अपने गेट से वो बोर्ड हटाना होगा कि कुत्ते और लूथराज अलाउड नहीं, क्योंकि मैं अब तेरे यहाँ बहुत आने वाली हूँ तेरे हाथ की चाय पीने। जरूर आना, लेकिन एक शर्त है। ये लो। तुझे भी अपने गेट से ना वो बोर्ड हटाना होगा, कीड़े मकोड़े और तनेजा नॉट अलाउड। डन डील। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग। यूवी क्यों नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया? वेट करो, आ जाएगा। मैनू भी लग रहा है कि मुंडा आ क्यों नहीं रहा। मैं देखती हूँ, एक मिनट। वो कहीं भाग तो नहीं गया? अरे सुनिए, प्लीज काम डाउन, मैं अभी यूवी को लेकर आता हूं। यूवी तुझे किस बात का डर लग रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे? डू यू इवन रियलाइज अब दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व है, तू इस तरह गायब नहीं हो सकता। यूवी यार तू समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई चीज पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, बट दिस इज इट राइट, दिस इज इट। इसके बाद मैं और सिंपल टुगेदर लाइक फॉर एवर, इसके बाद कुछ नहीं, यूवी की लाइफ खत्म। यू नो व्हाट कुंज, मैं सीरियसली इस फ्रेंड को मिस करूंगा, सीरियसली आई एम गोना मिस दैट। अच्छा टेल मी, क्या मिस करने वाला है तू? क्या लगता है तुझे? मिस आई डोंट नो यार, मैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तुझे क्या लगता है तू अपनी फ्रीडम मिस करेगा, बैचलर्स लाइफ, राइट? नो नॉट ऑल दैट यार। तो लड़की पटाना मिस करेगा यार? I'm beyond all that things, yeah. Please don't remind me of all that. दोस्तों के साथ घूमना, लेट नाइट पार्टीज, ये मिस करेगा? यार ये सब चीजें मैं कर करके थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, प्लीज मत याद दिला, प्लीज मत याद दिला, मैं ये सब चीजों से परे हो चुका हूँ यार कुंज, तू जानता है, प्लीज। आई नो तू फन एलिमेंट मिस करेगा राइट, इसलिए शादी का लड्डू खाने से डर रहा है। यार कुंज ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है।
She's quite fun to be with. अपनी धुन में, अपनी धुन में रहती है हाँ की लड़की. हाँ मैं मानता हूँ कि सिंपल जो है ना बहुत अच्छी लड़की है. मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के में मुझे अच्छा लगता है. एंड ऑल्सो फील कि उसके साथ जब मैं होता हूँ ना, जब भी उसके साथ होता हूँ तो मेरा फन क्वेश्चन डबल हो जाता है. दैट्स ऑल्सो आई बिलीव इज राइट. फिर तू क्या मिस करने वाला है? कम ऑन बोल. क्यों तूने एक बात रियलाइज की? मैंने तुझसे जितने सवाल पूछे तूने इन सब का जवाब ना दिया है. क्योंकि तू लाइफ में आगे बढ़ चुका है. अपने दिल की सुन, सब समझ में आ जाएगा. और जो मैं बोल रहा हूं तेरा दिल भी वही बोल रहा है. कम ऑन, अगर कुछ सोचना है तो ये सोच कि अगर सिंपल तेरी लाइफ में नहीं रहे तो तू क्या मिस करने वाला है? क्योंकि तू बस स्ट्रेस्ड है. इट्स ओके, इस पॉइंट पर सब होते हैं. मैं कुछ ज्यादा ही. लेकिन जब तू सिंपल का चेहरा देखेगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा. सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहेगा तू. इनफैक्ट लाइफ में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब तू काम करके घर आएगा, यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, मीट हर. उस वक्त तू लाइफ का सबसे खुशनसीब आदमी होगा. एंड शी विल बी अ लकी चाइल्ड. वाओ, यू ऑलवेज बीन सो सॉर्टेड मैन. कैसे कर लेता है यार? अब शादीशुदा होने का एक्सपीरियंस जो है मुझे. कम ऑन, अगर तू कन्विंस हो गया तो चले. तुझे मनाने के चक्कर में अपनी वाली को छोड़कर आया, और अगर वो गुस्से में आ गई ना तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. How true is that? But seriously, I can't believe. तुझे मनाने के चक्कर में मुझे ऐसे आना पड़ा. चल, now get ready. Come on. वरना सिंपल दोबारा भाग जाएगी. Thanks, man. जल्दी कर, सब नीचे तेरा इंतजार कर. हाँ हाँ बाबा भाई. तू नीचे क्यों नहीं आ रहा था? यूवी, तू मुझसे शादी करना चाहता है ना? बोल. सिंपल, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया. लेकिन अब मैं बिल्कुल तैयार. क्यों कुंज? चल, कम ऑन, लेट्स गो. एक मिनट, होल्ड ऑन अ सेकेंड. एक्चुअली वेट, मंडप पे एंट्री तो जरूर करेंगे लेकिन स्टाइल से, एकदम यूवी और सिंपल स्टाइल. What's it? When tere mujhse na raaz tha dil, tu mila hai tu hai. Oh, dekho ji. Dekho ji, sir ji, aa gaye. Hero lag raha hai, hero. Ban chuka hoon, bas tera. Ban chuka hoon, mera mujh mein kuch nahi, sab tera. अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. अरे भाई, पंडित जी को बुलाओ, शादी की विधि शुरू करते हैं. पंडित कितने गायब हो गया हूं? पंडित जी, लाओ जी, मैं फोन करता हूँ. अब फोन करने से क्या होना है? अब तो बहुत देर हो गई है. अरे शांति, कुछ ना कुछ हो जाएगा. वो पंडित जी भी गुड फॉर नथिंग निकले, फोन बंद करके रखा हुआ है. एक और नई प्रॉब्लम, कुंज, हमारी शादी हो तो जाएगी ना इस बार. कुछ इंतजाम करते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ प्लीज. अरे भाई, ओए ऐसे कोई टेम्परेरी पंडित शंडित मिलेगा क्या? ओ बेबे, मैं ट्राई करूं. भाई पंडित यहाँ है. अच्छा ये बताओ, ये पंडित चलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल,
चलेगा नहीं दौड़ेगा। चलिए फिर। ओम नमः शिवाय। वो ऐसा लग रहा था कि 5 मिनट के लिए दोनों दूल्हे दुल्हन के चेहरे पे 12 बज गए थे। अब हम शादी की विधि की शुरुआत करते हैं। अब इनका सिंदूर भरिए। अब आपकी शादी की विधि संपन्न हुई। आज के बाद आप वर वधू हैं। आइए बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। देखा यूवी, आखिर इश्क और जुनून की जंग में जीता इश्क ही ना। सही कहा तूने, जीत इश्क की हुई, लेकिन हमारे टाइप के इश्क की, टशने इश्क। अरे बोल बोल। ओके रेडी, स्माइल प्लीज। टशने।